दोस्तों मैं परमान रजवाड़े, वेलकम स्वागत है दोस्तों। ग्राम पंचायत पुपुटरा में पहुंचा हूं और एक बेहतरीन और खास और बहुत ही पॉइंट वाला बात न्यूज लेने के लिए आया हूं दोस्तों। यहां पर जो कि कह सकते हैं गोबर गैस के माध्यम से एक खाना बनाएंगे लोग अगल बगल, ये शासन के तरफ से स्कीम लाया गया था और तकरीबन 7 से 8 महीना गड्ढा खुदाया, इसमें सामान डाला गया और इसके माध्यम से अगल बगल में जितना भी ग्रामवासी हैं को इनका बेनिफिट और एडवांटेज मिले अब इसके माध्यम से। लेकिन यहाँ पर गड्ढा खोद दिया गया, कागज़ तक सीमेंट दिया गया, यहाँ पर जो भी सामान इसको डाल दी गई है हमें डैमेज भी हो गया है, उसका ख़राब भी हो गया है, इधर उधर मुड़ गया है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आसार ये दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन 7-8 महीना से हमारे ग्राम पंचायत कुकुटरा के जो प्रतिष्ठित हैं, बुद्धिजीवी हैं, चाहे सचिव सरपंच हैं, चाहे पंच लोग हैं, चाहे जन मांग कोई भी आम जनता से लेकर जो कि पद में है वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं दोस्तों। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ सभी मिलजुल करके काम करेंगे, सभी को वे ऐसे ही स्कीम आता है तो सभी के लिए हितग्राही लोग के लिए काम आएगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ये तकरीबन 4-5 लाख का रहा होगा स्कीम, पता नहीं अभी, लेकिन ये 7-8 महीना से इस टाइप का आता है तो अगल बगल को इसका बेनिफिट। लेकिन आप सब मिल करके काम करेंगे, शासन प्रशासन की तरफ से सभी मिल करके काम करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं दोस्तों। ये गांव का सुंदर बनाना है, बढ़िया गांव बनाना है और सबसे अच्छा गाँव बनाना है। ग्राम पंचायत पुपुटरा सरगुजा अंचल जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ के सरगुजा के सबसे बड़ा गाँव में शुमार है। तकरीबन 2500 से 3000 संख्या से ज़्यादा यहाँ पर वोटर भी है और बहुत सुंदर है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, यहाँ विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, एक ही विभिन्न धर्म के लोग, एक ही से हिंदू धर्म के लोग हैं, बहुत सारा संख्या है। लेकिन ये जो कि कहना चाहिए सबसे बड़ा गांव है, उसके हिसाब से शासन के तरफ से ये जो स्कीम निकाला गया कि आप गोबर गैस के माध्यम से अगर गोबर डाल करके गैस निकलेगा और अगल बगल का जितना भी इसका गरीब परिवार है, चाहे गरीबी रेखा के अंतर्गत जितना भी आते हैं तो उसको बेनिफिट मिलेगा, इस हिसाब से इसका कह सकते हैं एक निकाला गया स्कीम। और इसके तरफ इसको तो कागजात तक, अब इसको जितना फॉर्मेलिटी था वहाँ तक तो कर दिए, लेकिन यहाँ जब सफल होने के लिए आधा अधूरा रख दिए, यहाँ तक पूरा वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, ये डैमेज हो गया है, आप देख सकते हैं ताला अभी भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चढ़ा हूँ कभी भी गिर सकते हैं, बहुत बड़ा डैमेज है और ख़तरा होने की स्थिति है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से यहाँ पर थोड़ा बहुत ये गोबर है, अब यहाँ पर आके दिखाएंगे कि यहाँ पर रखने हैं, इसमें कुछ रखने के लिए पानी वगैरह रखने के लिए व्यवस्था है, इधर भी उधर भी राइट में आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से, इधर भी डैमेज है, कैमरा के माध्यम से दिखाएंगे दोस्तों। और ये स्थिति है, देखिए डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया, थोड़ा तोकच गया कहना चाहिए, इसमें थोड़ा सा डैमेजिंग हो गया है काला कलर के, तो इसमें ना गैस का पता चल रहा है। यहाँ पर हमारे, मैं यही आग्रह करूँगा कि ग्राम पंचायत को पुपुटरा के, क्योंकि आम जनता जनार्दन है, सभी जिम्मेदारी लेंगे, सचिव सरपंच बुद्धिजीवी सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे तब सुंदर गांव बनेगा, बहुत बढ़िया गांव बनेगा और एक कहना चाहिए उदाहरण के रूप में अगल बगल का गांव के लोग इससे उदाहरण और एग्जांपल देखकर सीखेंगे दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा पहल है, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो भी इसको टेंडर लिए थे, चाहे जो भी जिम्मेदारी लिया था, ये पूरा सूझबूझ के साथ कागज तक सिमट कर मत रह जाए, ये पूरा उसको पूरा सफलता तक जहाँ जिस चीज़ के लिए पहुँचा है वहाँ तक पूरा पहुँचाएँ। लेकिन इसके बीच में दोस्तों कोरोना वायरस COVID-19 2019 में स्टार्ट हुआ और 20 में कहर बन के बना दुनिया में ऐसा कोविड, ऐसा बीमारी जो कि साइलेंट किलर के नाम से जाने जाते हैं, और देखते ही देखें प्रलय हो गया, तो स्कूल तक और रेलवे तक बंद हो गया, तो ये तो वाजिब है कि अभी उसके बीच में प्रभाव पड़ा, लेकिन आने वाला समय में ठीक हो जाएगा, तो इसको ध्यान देंगे और बेहतरीन। अब इसका जो भी आप निकल रहे हैं उसके माध्यम से गड्ढा खुदवा करके जहाँ तक हितग्राही लोग इसका एडवांटेज और लाभ ले सकते हैं, जिसमें हमारे सुंदर गाँव बहुत बढ़िया गाँव होगा, पर्यावरण, पेड़ पौधा, इसका अगल बगल का दिखाएंगे गाँव का नक्शा, इधर से दिखाएंगे, मेरा उंगली जा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा गांव है, आप ये नहर है, नहर आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से पानी बहता है दोस्तों, तो अगल बगल में गांव वासियों के पेड़ पौधा हरा भरा है, लेकिन यहां पर जो बेनिफिट मिलना चाहिए ये दिखाई नहीं दे रहा है। मैं परमान रजवाड़े दोस्तों, एक चैनल में अगर जो भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा डिस्क्रिप्शन में, और शेयर करना, लाइक करना और बहुत सारा फैलाना, जिससे आप किसी भी तरीके से अगर न्यूज़ चाहिए इधर भी दिखाएंगे तो आपको मेरे को कमेंट करके बताइए, जिससे मैं मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और उस न्यूज़ को लाने का प्रयत्न करता हूँ यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, जिससे आप लोग को जानकारी मिले और एक सुंदर गाँव, बढ़िया गाँव हो और विकासशील आगे बढ़े, जिसमें बहुत बढ़िया गाँव होगा, सबको हितग्राही को जिस स्कीम से जितना लागत में जितना रकम लिया गया उतना
अपना पैसा खर्चा होने के बाद अगर हितग्राही तक सही लाभ अगर पहुंचता है तो ये जो सरकार जो स्कीम है, जो योजना है, जो स्ट्रेटजी है, जो प्लान है शासन के, वो कामयाब होगा दोस्तों। अगर शासन एक स्कीम चाहे एक प्लान बना देता है लेकिन उसका पूरा करना हमारा हम सबका सभी का जिम्मेदारी होता है, ग्रामवासियों का, हर नागरिकों के। फॉर्मेलिटी होती है कि हम तो कुछ है नहीं, हमको पंच भी नहीं है, सरपंच नहीं, ऐसा नहीं, हर किसी का जिम्मेदारी बनता है। आप सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और एकदम बढ़िया काम करवाते रहिए। अगल बगल में जो भी ऐसा होते रहता तो उसको ध्यान से सही 100% काम करवाइए, जिससे एक उसका सही परियोजना जो योजना है वो पूरा हो सके और एक सरकार का वो सफलता तक पहुंच सके दोस्तों। और एक सक्सेसफुल मैं चाहूँगा कि जो भी इसका जो टेंडर लिए थे उसको कंप्लीट करवाएं और अगल बगल में जो स्कीम योजना है पूरा हो सके और ये कामयाब हो सके। सभी का अनुरोध है, ग्राम पंचायत कुपुटरा के सभी एक नागरिक हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी मिलजुल करके काम करेंगे, सब सुंदर गाँव विकासशील और बहुत ही अच्छा होगा। उठती हुई लहरों की साहिल नहीं होती है, फसलों से मजबूत कोई दीवार नहीं होती है, अपने दम पर टकराते हैं चिराग जलने के लिए दोस्तों, उसे किसी कोनों की दरकार नहीं होती है। सूर्य उदय होता रहता है उसको सभी सलाम और सैल्यूट करते हैं दोस्तों, उसी तरीके से जो देश, जो गांव और जो पर्सन आगे विकास करते हैं उसी को सैल्यूट करते हैं। ऐसे जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय पुटराव, जय सुंदर गाँव, विकास हो, आगे एक उदाहरण एग्जाम्पल बन के आए। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बहुत सारा फैलाना, इसी शुभकामनाएं के साथ मैं विदा लेता हूं। परमान रजवाड़े, ओके।